की विज्ञप्ति जारी करो। सरकार बार बार कहती है कि छठा चरण पूरा करेंगे तो सातवां का प्राथमिक सातवां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति नोटिफिकेशन हम लोग देंगे, लेकिन छठा पूरे हुए भी एक महीना हो चुका है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन सातवां के लिए शिक्षा मंत्री कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो हमारा शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि जल्द से जल्द सातवां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति बीटेक सीटेट पास अभ्यर्थी को नोटिफिकेशन दे और हमारी बहाली जल्द से जल्द करें। देखिए अभी हम लोग विज्ञप्ति के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सातवें चरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति के लिए यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार हम लोग को विज्ञप्ति का डेट नहीं दे जारी करेगी लिखित रूप से, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। मेरा नाम नितेश पांडे हुआ, मैं भोजपुर से आया हुआ हूँ। जी हम लोग दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण हुए थे, दिसंबर 2019 से अब 2022 आ गया, दो तीन साल हो गए हम सबको सीटेट पास किए हुए। उसके बाद से जब से सिक्स फेज बोल रहा है कि सिक्स फेज खत्म होगा तो सेवन्थ फेज आएगा, सिक्स फेज बराबर यही बात, बस यही जब भी हम सब पूछते हैं तो उनका बस यही रहता है। अब तो सिक्स फेज खत्म हो चुकी है तो अब वो हम लोगों को नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, प्राइमरी नोटिफिकेशन क्यों नहीं सातवां चरण का वो जारी कर रहे हैं। हम लोगों को बस यही मांग है कि सेवन्थ फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन सरकार जल्द जारी करे। हम लोगों को इतनी धूप में बैठने की कोई शौक नहीं है, हम लोग भी स्कूल में रहते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं बच्चों को, बच्चों का अगर शिक्षा स्कूल में नहीं जाएगा तो बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। बस हम लोगों की यही मांग है कि बस सेवन्थ फेज नोटिफिकेशन प्राइमरी। जी मेरा नाम दामिनी कुमारी हुआ, मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ। नहीं नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कोई हालत में नहीं जाएंगे। दीजिए तो दीजिए, ये मेरा अधिकार है। जैसे आपको चुनते हैं पाँच साल के लिए विधायक और संसद, पाँच साल पुरता है कि नोटिफिकेशन निकल जाता है, चुना उसके पहले निकल जाता है। और तो और कोरोना काल रहे या कोई काल रहे, कोई मतलब नहीं, नोटिफिकेशन उसका आ गया, वो विधायक बन गए, शपथ ले लिए, हम फलना मंत्री वो ढेकना मंत्री बन गए, हमारा क्या है? हम भी योग्य हैं, आपसे ज्यादा योग्य हैं। आप अंगूठा छाप हो करके विधायक बन जाइएगा लेकिन मास्टर नहीं बन पाइएगा, ये बात तय है, ये बात जान ले। उसको यदि कह दे कि शिक्षक बनना है तो उसको भी बीएड और टीटी पास करके आना होगा, लेकिन विधायक के लिए कुछ नहीं है। वो जब एप्लीकेशन भर दीजिए और चुनाव में घूम जाइए। मेरा घर तारापुर है, अभी उपचुनाव हुआ है, पूरा मंत्रालय उठ के चला गया था, भीख मांगने गए थे क्या? आए 243 विधायक वहाँ पहुँच गए, क्या था वहाँ? लड्डू बट रहा था, वे पहुँच गए। तो आप भी शिक्षक का बहाली छोड़ करके आप भी विधायक ही लड़ते? काहे लड़ेंगे, हम शिक्षक के योग्य हैं, कोई जरूरत नहीं है समाज को बदलना। हाँ बदलना है, वो विधायक बने हम शिक्षक बनेंगे, क्या जरूरत है? अब पहुंच गए पूरा का पूरा कुनवा उठा करके, उतनों पर नहीं हुआ तो सांसद को उठाए, उसको बुलाए, मंत्री को बुलाए, पूरा का पूरा विधानसभा पहुंच गए वहाँ। गर्मी में भी जो है आप लोग बैठे हुए, क्या करें सर, मजबूरी है, नहीं बैठेंगे तो फिर सरकार तो ऐसे सुनने वाली है नहीं, गुंगी बहरी सरकार है, बैठना पड़ेगा सर, मजबूरी है। आप लोग परीक्षा पास करेंगे? जी सर, परीक्षा पास करके ही बैठे हुए हैं सर। जो भी एक शिक्षक बनने की जो अहर्ताएं होती है वो सारी अहर्ताएं हमने पूरी की हुई है। जितने भी हमारे यहाँ पे शिक्षक बंधु दिख रहे हैं, हमारी भाई और बहनें दिख रही हैं, सारे सीटेट वीटेट पास करके यहाँ बैठे हुए हैं सर। बीएड डीएलएड की अहर्ताएं पूरी करने के बाद यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं सर। चार साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, चार साल से गवर्नमेंट हम लोग को बस, सरकार जो है हम लोग को बस आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, अब दे देंगे, कल दे देंगे, जनवरी में दे देंगे, फरवरी में दे देंगे, मार्च में दे देंगे, लेकिन कौन सा जनवरी है, कौन सा फरवरी है, कौन सा मार्च है, वो निश्चित नहीं हो रहा है सर। जी मेरा नाम सर गुप्ता खान, जी मैं गोपालगंज जिला से हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि सिक्स चरण खत्म होते ही सातवां चरण देंगे, और सिक्स चरण के खत्म हुए एक मंथ हो गया है, अभी तक कुछ उसके बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा है। सर हम लोग सातवें चरण के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं और ये तब तक जारी रहेगा जब तक सातवें चरण के लिए नोटिफिकेशन के लिए शिक्षा मंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे या कुछ जारी नहीं करेंगे। जी मेरा नाम पड़ेगा मिकुपाल, मैं रोहतास जिला से हूँ। सर सर हम लोग शिक्षा मंत्री जी के साफ तौर पर चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो रहा है वो किसी प्रकार से रुकने वाला नहीं है, और ये रुकेगा तो सातवें चरण को नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही, या तो उनको आकर के ये बात को आश्वासन देना पड़ेगा लिखित तौर पे,
तो हम लोग अपने घर जा सकते हैं, अन्यथा यहीं पर आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे। ये आंदोलन हमारा दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाएगा। शिक्षा मंत्री जी इस बात को भली भांति समझ जाए कि अब भुलवाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो नहीं चाह रहे हैं कि बिहार में शिक्षक की भर्ती हो। 94,000 के हला करके 40,000 तक अभी शिक्षक अभ्यर्थी केवल चयनित हुए हैं, और ये उसी को पूरा पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे पास 94,000 भर्ती हुआ है। जब तक सातवें चरण का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, सर हम लोग अपने घर पर जाने वाले नहीं है इस बार। सरकार की क्या मंशा है, आप लोगों को बहाली क्यों नहीं? सरकार की मंशा यही है कि हम जनता को मूर्ख बना के रखे और अपना काम चलाए। अब इसलिए विज्ञप्ति जारी नहीं करती है, ऐसा कहती है कैंडिडेट नहीं है। इसमें कितना कैंडिडेट है जो जुलाई वाला भी है, उस सरकार की गलत नीति के कारण वो रह गया और इस आंदोलन में आया, उसमें से हम भी एक हैं। हम जुलाई सीटेट पास हैं और मेरा नहीं हुआ सरकार के गलत नीति के कारण, और 50,000 सीट खाली रह गया। और बोलता है कि इसे योग्य टीचर नहीं मिल रहे हैं, योग्य अभ्यर्थी नहीं है, हम भी खाली हैं और मेरा नहीं हुआ, नंबर कम होने के कारण। योग्यता किस आधार पर तय करती है सर? योग्यता करती है बीएड, पहले तो एंट्रेंस दीजिए, बीएड पास कीजिए, उसके बाद सीटेट पास कीजिए, उसके बाद मैट्रिक इंटर और बीएड का नंबर जुड़ेगा, उसके बाद औसत निकलेगा, उसके बाद उस आधार पे मेघा निकालती है। हम लोग को नहीं आया, नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वो महिला का सीट ज़्यादा रह गया, इस कारण भी नहीं हम लोग का हुआ। महिला का सीट लगभग 80% था और 20% ही पुरुष अभ्यर्थी का था, जिस कारण नहीं हुआ, और पुरुष सीट पर महिला का हो गया और महिला की सीट पर पुरुष का हुआ नहीं, इस कारण सीट खाली रह गया। मेरा नाम विकास कुमार राय हुआ, मैं शाहपुर पटोरी से आया हूँ, शाहपुर पटोरी समस्तीपुर। आप लोगों का जो फॉर्म है वो कूड़ा में फेंका गया है? फॉर्म कूड़ा में फेंक दें या जो करें, हम लोग उससे मतलब नहीं है। और युवाओं को दरकिनार करना कितना महंगा पड़ा है, इतिहास में आप उठाकर देख सकते हैं। शिक्षकों को दरकिनार करना कितना महंगा पड़ा है सरकार को, आप इतिहास के पन्ने उलट के देखिए, पता चल जाएगा। सत्ता परिवर्तन हो जाता है, माहौल बनेगा कि सरकार जो है युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है, शिक्षक विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, वंचित शोषितों के आवाज के विरोधी है, ये माहौल तो बनेगा। कोई प्रक्रिया रुकी हुई नहीं है, ये सिर्फ दिमागी उपज है। छठा चरण समाप्त हो गया है, कहीं न तो किसी कोर्ट का स्टे है न कहीं कुछ है। छठे चरण के तहत जो बहाली होनी थी उसमें से 50,000 सीट रिक्त है, तो लाखों रिक्तियों सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स में है, तो और कमोबेश इतने ही एक्सपीरियंस भी हैं, मतलब अभ्यर्थी भी सीटेट पास इतने ही हैं, तो एक एक अभ्यर्थी जो है वो सरकार के विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में जा सकते हैं। शिक्षकों को तो स्कूल में होना चाहिए, आप धरना, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बिहार का इतिहास रहा है कि जब भी शिक्षक बहाली हुई है या शिक्षक का जो भी मांग माना गया है उस सड़क से ही शुरू हुआ है। आप वेतन वृद्धि देख लीजिए, इससे पहले 94,000 बहाली चल रही थी उसका आंदोलन देख लीजिए, सब इसी गदनी बाग का उपज है। और यहाँ से सरकार की नीति इतनी खराब है, इतना सुस्त नीति है, नीति में इतने खामी है, कभी कभी ये भी आप सुनते होंगे कि कभी बड़ी केस हो जाता है, तो केस होता क्यों है? नोटिफिकेशन में जैसे त्रुटि होगा तब तो कोई केस होता है। कभी देखें यूपीएससी पे केस हो गया है, कभी देखें कि सीटेट पे केस हो गया है, फिर इसी पे केस क्यों, बहाली पे केस क्यों? सब कुछ जान बुझ के लटकाने, फटकाने, अटकाने का जो मेथड है ये चल रहा है। अंतिम मांग है या प्रथम मांग है, दोनों एक साथ है कि आप प्राथमिक शिक्षक बहाली जो है, सातवें चरण की बहाली है, उसको यथाशीघ्र चालू किया जाए और उसको एक निश्चित तय समय सीमा में, जैसे एक महीना में, दो महीना में विधायक बन जाते हैं, इस तरह से शिक्षक भी दो महीना में बन जाए, इस तरह का एक शॉर्ट शेड्यूल जो है वो जारी हो और यथाशीघ्र जारी हो। आपके पास विद्यालय भी हैं, बच्चे भी हैं, वहाँ रिक्ति भी है, और आपके पास युवा भी है जो शिक्षक बनने योग्य है। फिर बहाली नहीं करना बस युवा विरोधी होना नहीं है, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित से लेकर के समाज विरोधी। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।